Hey guys, how are you? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सेकंड सेक्शन को देखने के बाद में अब हम उसके स्पेसिफिक मेथड को समझते हैं कि आप साइक्लॉइड कैसे बनाएंगे, एपिसाइक्लॉइड कैसे बनाएंगे, हाइपोसाइक्लॉइड, फिर उसके बाद में हम इन्वोल्यूट्स पे जाएंगे एंड देन फिर स्पाइरल्स पे। देखो रोलेट्स वही टर्म है जो साइक्लॉइड और इन्वोल्यूट्स जिसको हम बोलते हैं ना उसको हम रोलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रोलेट्स। अब रोलेट्स यूजुअली होता क्या है? देखिए रोलेट्स आर कर्व जनरेटेड बाय द रोलिंग कॉन्टैक्ट of one curve or line on another curve or line without slipping. Important is what? Without slipping. अब rolets की बात करें या cycloidal curves की बात करें, अगर कोई भी circle किसी अगर सीधी सड़क पर चलता है या फिर किसी दूसरे circle के ऊपर चल करके कुछ भी curve generate करता है, कोई सा भी curve generate करता है, कोई specific नाम नहीं दे रहे उसका, तो वो rolets कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो rolets। जो भी curve बनेगा ना वो कहलाएगा rolets। जब कोई पहिया किसी स्ट्रेट लाइन पर चलता है या फिर किसी दूसरे सर्कल के ऊपर चलेगा, या तो वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा या फिर किसी दूसरे सर्कल के ऊपर चलेगा, तो जब वो ऐसा करता है तो वो रोलेट्स बनाएगा। अब ये आपको समझ में आएगा। मोस्टली जो कॉमनली जो रोलेट्स हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज करते हैं वो यूज करते हैं साइक्लॉइड, ट्रॉकोइड्स, इन्वोल्यूट्स। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी फर्स्ट व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं अगर उन्हें बेल आइकन को प्रेस नहीं कराया तो प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि उनको नोटिफिकेशंस नए वीडियोस के मिलते रहें। यूजुअली जो हमारे पास में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आता है वो कुछ दो तरह से आ सकता है। पहला है अ सर्कल ऑफ 30 मिलीमीटर डाया रोल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। देखिए बड़ा छोटा सा एक सर्कल है 30 मिलीमीटर डाई का जो चल रहा है, रोल कर रहा है किसी सीधी सड़क पे, स्ट्रेट लाइन बिना फिसले। ये विदाउट स्लिपिंग वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मतलब साइक्लॉइड हो, एपिसाइक्लॉइड हो, हाइपोसाइक्लॉइड हो, उसमें ये कहीं नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो विदाउट स्लिपिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब अगर मान लो ये थंब वाला पॉइंट दोबारा स्ट्रेट लाइन पर आना चाहे तो वो तो अगर स्लिपिंग होता रहेगा तो वो तो कभी आएगा ही नहीं, तो एक ही पॉइंट पर स्लिप होता जाएगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल तो कर लेगा पर कैसा करेगा? स्लिप होते हुए। तो उसका मतलब नहीं है, यहां कंस्टेंट क्या है? विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, आपको पॉइंट पी जो कि किसी सर्कमफेरेंस पर है, किसके? उस सर्कल के, उससे बनता हुआ कर्व ट्रेस करना है, ठीक है, जब वो एक पूरा रिवॉल्यूशन करे। या तो ये क्वेश्चन देगा, या अगर ये क्वेश्चन नहीं देता है तो इसकी जगह वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन देगा हमको और वो क्वेश्चन होगा ड्रॉ एंड कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइड ऑफ 30 मिलीमीटर डाया। साइक्लॉइड का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है, कि किसी भी सर्कल का अपने आप में एक सीधी सड़क पर चलना। तो ये तो हमारा ये बन गया, ओके। अब हम बना देते हैं एक सर्कल, ओके। तो यहां मैं सर्कल बना रहा हूं, कितने का बनाना है मुझको? तो मेरे को 30 मिलीमीटर डाई का बनाना है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं रैंडम एक्सिस ले रहा हूं, फिर इस पॉइंट से मैं 30 मिलीमीटर ऊपर जाऊंगा। क्या 30 मिलीमीटर तो डाया है तो मुझे 15 मिलीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे राउंडर में 15 लेकर के बनाते हैं, वो मेरी आदत नहीं है, नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैसा बनाइए, ठीक है। यहां पर ये ले लिया बेटा और यहां से फिर इसके बाद में आपने एक सर्कल बना लिया। तो दिस इज योर सर्कल, ओके, दिस इज योर सर्कल। थोड़ा सा मैंने डार्क बनाया है इसको, ओके। फिर यहां पर ये आपका सर्कल हो गया। अब आपको क्या करना है? तो अब इस सर्कल के आपको कुछ पार्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कितने पार्ट करिए, इसके 8 पार्ट करिए, ठीक है। आप 12 भी कर सकते हैं बट 8 पार्ट में हमारा काम हो जाएगा। आपने डी को ऐसे रखा, ओके, आपको इसके सेंटर पे डी को रखना है और ये तो है 0। अब 8 पार्ट अगर किसी सर्कल के करेंगे तो कितने का एक पार्ट बनेगा? तो हम जानते हैं 8 पार्ट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए, 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो यहां हम 45 डिग्री का एक पार्ट करते तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45, this one is 45 and the next thing is 0, 10, 20, 30, 40 and where is the 45? So this is the 45, okay? हम लोगों ने जो point यहाँ पर लिया था वहां से हमने ये line को बना दिया, आपको light line ही बनानी है and then उसके बाद में हम लोगों ने ये लिया, ये जो point था और यहाँ से फिर मैंने इसका जो part है वो ये कर लिया, है ना। मैं step by step आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आपके पास में circle 8 part में divide हो जाता है, कट जाता है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि suppose ये अगर इस पे चलता है, सपोज करिएगा ये अगर इस पर चलता है तो ये सड़क है तो चलता ही जाएगा, ओके। तो प्रैक्टिकली हमको इसको रोकना पड़ेगा। रोकेंगे कब? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तब होगा जब भी होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब भी होगा तब इसको रोक जाना चाहिए। तो बस हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका करते हैं। अब कैसे करेंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका, तो देखिएगा जरा। देखिए पूरे सर्कल को अगर मैं तोड़ दूं, जैसे ये पूरा सर्कल है तो इसको मैं ऐसे तोड़ करके अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो मैं जानता हूं कि किसी भी सर्कल का
सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर या पाई डी। ओके, अब 2 पाई आर करेंगे तो आर कितना है, या पाई डी करेंगे तो 30 इंटू पाई। ओके, तो 30 इंटू पाई कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास में हो जाता है 9.4, दैट मीन्स 94। 30 इंटू पाई जब आप करेंगे तो वो कितना हो जाता है, कैलसी में आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, तो वो कितना हो जाता है 94.2। तो यहाँ पे 94.2 को हम लोग जज नहीं करेंगे, 9.4 हम लोग उसको मान लेंगे। तो 9.4 जब आप लेते हैं तो 9.4 यूजुअली यहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ पे सर्कल है वहां से कितना आता है, लगभग ये रहा। ओके, अब ये आ गया, अब इसके, अब देखिए सर्कल आपका कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आपका सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड है, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। तो यहां तक पहले तो मैं इसको ये कर देता हूं कि ये सर्कल केवल यहां तक आएगा, सड़क को मैंने रोक दिया, ये यहां तक की सड़क का ही हमारे पास में केवल काम है। अब इसको हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में, तो देखिए कैसे करूंगा, वही अपनी जो यूजुअल मेथड है, यहां पर गया लाइट लाइन है, और यहां पर डार्क इसलिए बनाता हूं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन डार्क नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर केवल आपको दिखाने के लिए, अब मैं इसके 8 पार्ट कर देता हूं, ये 7 और ये 8। दोस्तों जैसे ही मैंने यहां पर 8 पार्ट कट कर लिए, अब मैं लास्ट वाले पार्ट को लास्ट वाले से मर्ज कर दूंगा। ओके, लाइट, तो ये मैंने मर्ज किया, और फिर उसके बाद मैं स्क्रोल करूंगा, और स्क्रोल करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये आपको सब पता है। ओके, तो ये करके मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, ये भाई यहां पे ये पार्ट हमारे पास में आ गए। तो यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं नाम दे देता हूं, देखिए 0, ओके, फिर ये हुआ 1, ओके, इसको मैं बाहर देता हूं 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहां पर देखिए, यहां प्रैक्टिकली एक आपको चीज समझ में ये आएगी कि दोस्तों जैसे ही आप इस सर्कल को चलाएंगे तो ये सही तरह से जब चलेगा, जब चल करके ये रोटेट जब होगा, 1 जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ा तो 2 जब इस पर आ जाएगा, फिर आगे बढ़ा तो 3 आएगा इस पर, फिर आगे बढ़ेगा 4 इस पर, 5 इस पर, 6 इस पर, 7 इस पर, और आप अज्यूम कर रहे होंगे कि वापस घूम करके 8 कहां आ गया, यहां पे। तो यहां नाम दे रहा हूं मैं 0, तो पहला हो गया ये, फिर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां तक क्लियर होता है आपको? अब देखिए आपने ये नाम दे दिए, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब ये करेंगे कि अब हम इस रेस्ट्रिक्शन पे, ये जो लाइन हमने खींची है इस पर हम 1 और 7 को पहुंचा देंगे। तो यहां पर बिल्कुल सीधे ले गए और बिल्कुल लाइट लाइन के थ्रू हमने 1 और 7 को पहुंचा दिया, फिर हम गए 2 और 6 को लेकर के, 2 और 6 को उठा करके हमने लाइट लाइन से यहां पहुंचा दिया, फिर हम गए 5 और 3 के पास, ध्यान रखिएगा लाइन एक ही आएगी, ओके, यहां पे ये, और फिर हम गए 4 के पास में। तो ये 4 यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो इस सेंटर लाइन पे, जो ये सेंटर लाइन है, इस पर हम सारे 1 सारे पॉइंट्स को ऊपर अप कर देंगे, जैसे 1 पर गए ऊपर, बिल्कुल लाइट ही चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 2, ओके, तो यहां पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, तो ये सेंटर्स आपके पास में आ गए हैं। अब क्या करना है, अब मेन काम चालू हो रहा है, ओके, मेन प्रोसेस ऑफ साइक्लॉइड, कि साइक्लॉइड बन कैसे रहा है। देखिएगा ध्यान से, आपको इस सर्कल का रेडियस लेना है, क्या लेना है आपको इस सर्कल का रेडियस, ये रेडियस कितना हुआ, तो मैं पिक कर लेता हूं, सो दिस इज माय रेडियस, ओके, रेडियस ही लेना है। अब इसको आप उठा लीजिए, अब देखिए पहले आपने कहां रखा, तो पहले आपने C0 पे रखा, तो जब आप इसको C0 पे रख रहे हैं तो पहला पॉइंट कहां आया, यहां पर, मतलब आपको 0 वाली लाइन को कट करना है, तो मैंने 0 वाली लाइन को कट कर दिया, कहां कटा, यहां पर। अब मैं C1 पे रखूंगा और 1 वाली लाइन पे कट करूंगा, तो देखो 1 और 7 की लाइन अपने आप में ये पूरी है, ये मत समझेगा कि 1 की लाइन यहां से चालू हो रही है और 7 की लाइन यहां से चालू हो रही है, नहीं, 1 और 7 की पूरी रिप्रेजेंटेटिव लाइन यहां से चालू हो रही है, 6, 2 और O की रिप्रेजेंटेटिव लाइन यहां से चालू हो रही है, 5 और 3 की रिप्रेजेंटेटिव लाइन यहां से चालू हो रही है, 4 की लाइन अपने आप में यहां से स्टार्ट हो रही है। तो जब 1 की बात कर रहे हैं तो C1 पे रखकर 1 वाले को कट करेंगे, तो ये देखिए ये 1 वाले को कट करा, आपको दिख रहा होगा, ओके, 1 को मैंने आर्क से कट कर दिया, ज्यादा बड़ा आर्क नहीं बनाना है क्योंकि हॉच पॉच हो जाएगा। देन उसके बाद में आप C2 की बात करते हैं, तो 2 वाली लाइन को कट करेंगे, तो 6 सेंटर और 2 की एक लाइन है, तो आपने सेंटर 2 पे रखा और ये आपने कट कर दिया, तो ये देखिए कहां पर ये आया यहां पे। अब आप C3 पर रखिए, 3 वाली लाइन को कट कर दीजिए, अब आप C4 पर रखिए, 4 वाली लाइन पे कट कर दीजिए, देखो बेटा यहां पे देखिए बिल्कुल ऊपर आएगी। अच्छा, अगर आपसे लाइन मार्क करने में थोड़ा ऊपर और नीचे हो गया है तो ये फिर आर्क उस लाइन पे नहीं कटेगा, तो मेरा सजेशन वहां पर ये है, अगर आप लाइन को स्ट्रेट कर सके उस टाइम, सीधी कर सके तो कर दीजिए, नहीं तो जो आर्क है उसको आप उस लाइन पे मार्क कर दीजिए मैनुअली, ठीक है, अगर आपके पास में टाइम नहीं है एग्जाम में तो बात बोल रहा हूं, अदरवाइज आप सही कर सके तो वेल बेटर है, ठीक। फिर C5 अगर हो गया तो C5 पर जाइए, 5 वाली लाइन को मार्क कर दीजिए, देखिए अब C6 पे जाइए और 6 की अपने आप में ये लाइन रही, अब C7 पर जाइए तो 7 पे जाकर के ये आपका ये हो गया,
ठीक है, ये देखिए ये 107 की एक लाइन है, एंड देन सी ए, तो ये तो हमको पता है ये यहीं आएगा। ओके तो फाइनली आपके पास में जो आर्क आ गई है उस पर मैं पॉइंट बना रहा हूं, तो पॉइंट मेरे कुछ रहे पहला और लास्ट तो ये रहा, देन फिर आपका ये और ये। अब आप इसको एक साथ सिंगल स्ट्रोक में बना दीजिए, तो सिंगल स्ट्रोक में आप डार्क कर दीजिए इसको, तो ये रहा कुछ इस तरह से, मैंने आपको बोला था कि आपको कॉपी को नहीं हिलाना है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है बच्चों से कि आपको कॉपी को नहीं हिलाना, भले खुद घूम जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरह से आप, मुझे ज्यादा डार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये डार्क बना रहा हूँ, फिर उससे भी और डार्क करना है, ठीक है, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका अपने आप में साइक्लॉइड। अब क्या ये खत्म हो गया, तो हमने बोला नहीं इसको प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंट करने का अपने आप में वही तरीका है, P0, P1, P2, P3, तो इसको मैं कर देता हूँ P7 एंड P8, तो ये P0, P1, P2, P3 ये हमने कर दिया। अच्छा, क्या हमको नाम दे देने चाहिए थे, तो अभी हमको नाम नहीं देने चाहिए थे, वो तो चूंकि मैंने आपको बता दिया, बट आप ध्यान रखेंगे जब तक आपके नॉर्मल एंड टेंजेंट आप कर्व पर नहीं बना लेते आपको ये नाम नहीं देने हैं। तो हम नॉर्मल और टेंजेंट के यहाँ पे कैसे बनती है, तो जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पे भले नॉर्मल और टेंजेंट कहीं पर नहीं लिखे, फिर भी बनाना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल टेंजेंट आप बनाएंगे ही, कैसे बनाएंगे, कर्व पे कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस याद रखिएगा कि यही प्रोसेस एपीसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड में भी यूज होगी, कोई नया नहीं है वो, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया इन पॉइंट्स को छोड़ करके। अब जो रेडियस मैंने ले रखी थी जिनसे मैंने सारे पॉइंट को मार्क करा था, उसको मैंने यहां हटाया नहीं है, और हमें सर्कल की रेडियस यहां पर जहां भी जो भी हमने पॉइंट चूज करा वहां पर रख करके हमें सेंटर लाइन जो थी जिस पर सारे सेंटर आए थे उसको कट कर देना है। तो देखिए सेंटर लाइन यहां पर कट हो गई, ओके। अब यहां पर और कट हुई कैसे, तो हमने ये लाइन बनाई थी इस लाइन, अब देखिए सारे सेंटर्स जा कैसे रहे, नीचे जा रहे, तो जैसे सारे सेंटर जाएंगे अगर मैं इसको अपने आप में सी बोल देता हूं और मैं अगर इसको अपने आप में पी बोल देता हूं, ओके, तो सी सेंटर्स सारे कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली नीचे, तो इसको भी मैंने नीचे पहुंचा दिया, और अब ये अपने आप में मेरा एक अलग पॉइंट हो गया। जो भी पॉइंट आपका इस रोड पर आता है, ध्यान रखिएगा रोड इज इंपॉर्टेंट, ये तो उस रोड से आपने जो भी पॉइंट डिसाइड करा उसको आप मिला देंगे, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, और इसके जस्ट 90 डिग्री जब आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको नाम नहीं लिखना है क्योंकि आपके नाम कटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपके नाम कटने नहीं चाहिए, इसलिए पहले आप नॉर्मल टेंजेंट बना दीजिए, उसके बाद में आप नामकरण संस्कार कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन एन, और ये हो गया आपका टी टी। मैंने आपको बताया था आप नॉर्मल अलग तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका। अब चाहे तो इसको भी आप नाम दे दीजिए, तो ये मैंने यहां से इसको जीरो से लेकर एट तक नाम दे दिया है, ठीक है, सब में डैश लगा दिया, एंड डन, कुछ इस तरह से आपका लेआउट होगा। एंड फाइनली जब आप इस साइक्लॉइड को डायमेंशन करेंगे तो यहां से ऐसे आप लोग एक्सटेंशन लाइन निकाल दीजिए, और आप जानते हैं कि डायमेंशन लाइन को कोई कट नहीं कर सकता, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको रब कर दिया, एंड यहां पर मैंने एक डायमेंशन लाइन बना ली है, ओके। आपको बनाना आती है डायमेंशन लाइन, और इसको मैं एरो बना देता हूं, एरोज भी आपको बनाना आते हैं, जिन जिन बच्चों को नहीं आते वो देख लीजिए। एंड देन फिर यहां पर क्या लिखना है, तो हम जानते हैं यहां क्या था, तो पाई डी था। अब पाई डी का मतलब क्या था, तो हमने बोला पाई इंटू 30 डायमीटर, ओके, तो 30, तो आंसर कितना आता है आपके पास में 94.2, क्या है सेंटीमीटर के मिलीमीटर, तो मिलीमीटर, ओके, यहां तक चीज समझ में आती है। तो ये हो गया, एंड देन फाइनली जब आपको इस सर्कल को डायमेंशन करना है तो आप कोई भी एक लाइन चूज कर लीजिए, देखिए सर्कल को ऐसे डायमेंशन करते हैं, आप ऐसे लाइन को बाहर निकाल लीजिए। अब बताइए कि सर्कल की डायमेंशन कहां से लेकर कहां तक देना है, तो इस एरो से इस एरो तक। अब इस एरो को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला एरो बता रहा है, ये अपने आप में बेटा लीडर लाइन होती है, क्या बोलते हैं इसको अपन, लीडर लाइन, ये वाली लाइन जो है ना, ये अपने आप में क्या है, लीडर लाइन। लीडर लाइन से हम लोग आर्क और सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे फाई 30, कितना लिख देंगे फाई 30, डाया लिखने की जरूरत नहीं है, डायमीटर को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपने आप में साइक्लॉइड, साइक्लॉइड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है ये। आपको और कुछ करना चाहते हैं तो आप एन एन को यहां पर बता दीजिए कि नॉर्मल है, और टी टी को आप बता दीजिए कि टेंजेंट है। मेरे हिसाब से आपको इसमें 101% कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, इसमें किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है कटने में, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। सो दिस इज द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लॉइड, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर आया है, वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बच्चों तक पहुंचाइए, कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन वाला है उस तक पहुंचाइए। द टॉपिक इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।